प्रश्न है, बार बार हम लोग ये सुन रहे हैं कि सब सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी जो है वो लिस्ट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन लिस्ट अनाउंस नहीं हो पा रही है। सुनने में ये आया है कि एनसीपी के जो लोग हैं वो अपने आप को बड़ा असम्मानित महसूस कर रहे हैं कि यार हम तो पार्टी तोड़कर आए और आप हमें सिर्फ 4 सीट दे रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? एकनाथ शिंदे साहब तो मान जाएंगे, उनमें वो तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो मोदी जी कहेंगे हम वही वही करेंगे। इनफैक्ट ही इज मोर बीजेपी देन शिवसेना, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि एकनाथ शिंदे जी को सब छोड़ छाड़ के सीधा बीजेपी में आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ही इज मोर लॉयल टू मिस्टर मोदी एंड टू मिस्टर अमित शाह देन मोस्ट अदर पीपल दैट आई नो ऑफ। लेकिन तकलीफ जो मैंने सुना है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप इस पर रोशनी डालें, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर के आ रही है। आपने कुछ ऐसा सुना है सर? चर्चा तो चलती रहेंगे सर, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम है। जी बिल्कुल, आपने देखा तो मविया में भी वही सेम चीज चल रही है, जी थोड़ी बहुत महायुति में भी चलेगी। कैसा है, तीन अलग अलग विचारों की पार्टियां खाली डेवलपमेंट के एजेंडा के लिए इकट्ठा आ रही है, तो डेवलपमेंट का एजेंडा लीडर को जितना मालूम होता है, जैसा आपने शिंदे जी का बात किया, ही इज अकीन टू डेवलपमेंट, उनको डेवलपमेंट चाहिए, मगर उनके कार्यकर्ता जो है, कोई काजदार है, उसको पर्सनल इंटरेस्ट रहेंगे, तो ये बाद में जाके, जैसा पुणे में ये बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिवतारे का एक इशू हुआ था, पहले 3-4 दिन आपने भी चर्चा की रहेगी शिवतारे जी, करी थी, बाद में उन्होंने मान दिया कि बाबा नहीं, ये नहीं हो सकता, अपने को पीछे चुनाव अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहिए, तो ऐसा ये इनलाइटनमेंट हो जाता है उनका किसी ना किसी तरीके से, तो ये भी होगा।